हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम रूल नंबर 7 और 8 करेंगे और मैंने रूल नंबर 6 तक करवा दिया है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी वीडियोस है, तो आप वहाँ से देख सकते हो एक साथ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 7 क्या है, देखिए, कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। जैसे कि हम डेली लाइफ में जो बोलते हैं, जैसे कि कज़िन ब्रदर हो गया, पिक पॉकेटर हो गया, हम बोलते हैं व्हाट इज़ योर गुड नेम, तो जो हम बोल रहे हैं स्पोकन में, तो ये अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो वो सब गलत है। ठीक है, किस तरह से गलत है वो देखते हैं। जैसे कि पहला देखिए, यहाँ पर लिखा है कज़िन ब्रदर, तो कज़िन ब्रदर नहीं होता है, ना ही कज़िन सिस्टर होता है, राइट। तो इसका जो सही प्रयोग होगा वो कज़िन होगा। देखिए, जब आप सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करोगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा, अगर पहले से ही या शी लिखा है तो आप कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर का यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर किसी मतलब ही या शी का कोई क्लू नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी कि आप अंडरस्टेबल नहीं हो कि ये ही है या शी है, तब आप कज़िन ब्रदर या फिर कज़िन सिस्टर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पहले से सेंटेंस के अंदर क्लू मिल गया है कि वो ही है, तो आप आगे जाके ब्रदर नहीं लगाओगे, आप डायरेक्टली कज़िन डालोगे। ठीक है, तो कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर है, अगर सेंटेंस के अंदर अंडरस्टेबल है कि भाई है, तो आप सिर्फ कज़िन डालोगे। अगर अंडरस्टेबल नहीं है, ठीक है, तो आप कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा पिक पॉकेटर, तो पिक पॉकेटर नहीं होता है, पिक पॉकेट होता है, ठीक है, जेब मार जो होता है। नेक्स्ट हमारा गुड नेम, हम अक्सर बोलते हैं कि व्हाट्स योर गुड नेम, बट गुड नेम कुछ ग्रामर में इसको नहीं है, आप बोलोगे नेम। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिग स्मॉल ब्लंडर। देखिए, ब्लंडर पहले से बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ब्लंडर यानी कि मिस्टेक होता है, तो ब्लंडर पहले से ही बड़ी मिस्टेक है, तो आप इसको और बड़ा या छोटा नहीं बनाओगे। ठीक है, डायरेक्टली आप यूज़ करोगे ब्लंडर। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग ब्रिज, तो स्ट्रॉन्ग ब्रिज यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा है हमेशा लाइट एवं जेंटल, इसको हटा देता हूँ, ब्रिज हमेशा लाइट एवं जेंटल होता है। ठीक है, तो आप स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं करोगे, आप डायरेक्टली डालोगे स्ट्रॉन्ग विंड। नेक्स्ट आता है बैड ड्रीम, तो बैड ड्रीम यानी कि बुरे सपने, तो बुरे सपने नहीं बोलोगे आप ग्रामर के अंदर, आप बोलोगे नाइट मेयर। क्या बोलोगे? नाइट मेयर। प्राउडी कुछ वर्ड नहीं है, आप डायरेक्ट प्राउड होता है। ठीक है, प्राउडी नहीं होता, प्राउड होता है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए सेकंड पॉइंट, निम्नलिखित नाउन में भी हमें कन्फ्यूजन रहता है, कौन से नाउन है? देखिए, फ्लोर और ग्राउंड। देखिए, फ्लोर और ग्राउंड में क्या डिफरेंस है? देखिए, फ्लोर फर्श को बोलते हैं हम, ठीक है, फ्लैट के अंदर हमारा जो फर्श होता है उसको हम फ्लोर बोलते हैं, और ग्राउंड यानी कि जमीन होती है उसको ग्राउंड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप खेलते हो या फिर आपके बिल्डिंग का जो वो ऑडिटोरियम है, कंपाउंडमेंट है, उसको हम ग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, ज़मीन को हम ग्राउंड बोलते हैं और फ्लोर को फर्श बोलते हैं, यानी कि बेडरूम के अंदर क्या होगा? फ्लोर होगा। ठीक है, बेडरूम के बाहर ग्राउंड होगा, इस तरह से आप समझ सकते हो, अंडरस्टेबल। नेक्स्ट है स्किल और टैलेंट में क्या फ़र्क है। स्किल मतलब जो बंदा आज जो आदमी है वो सीख कर प्राप्त करते हैं, यानी कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो आपकी स्किल है, आपने गाड़ी चलाना सीखा वो आपकी स्किल से सीखा है, आपने इंग्लिश सीखा वो आपकी एक स्किल है जो आप सीख गए। बट टैलेंट अलग है, टैलेंट इनबॉर्न होता है, यानी कि जन्म से होता है। ठीक है, टैलेंट क्या होता है? जन्म से होता है। नेक्स्ट है एनवी और जियलिसली, तो एनवी यानी कि ईर्ष्या, जो दूसरों के चीज़ों को देख कर होती है, यानी कि दूसरों को देख के हमें जो ईर्ष्या होती है, जो जलन होती है, उसको हम बोलते हैं एनवी। और जियलिसली यानी कि ईर्ष्या जो अपनी चीज़ों के खोने के डर से होती है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ है आपके पास अगर वो गुम हो जाए तो आप क्या बोलोगे? उसे जियलिसी बोलोगे। और एनवी यानी कि दूसरों को देखकर, अगर वो इंस्पेक्टर बन गया तो हम क्यों नहीं बने, तो इसे हम ईर्ष्या बोलेंगे। और जियलिसली ऐसे बोलेंगे कि हमारे पास कोई चीज़ है वो खो ना जाए। नेक्स्ट है नोट, अनेक कन्फ्यूजिंग नाउन अर्थ सहित चैप्टर 16 में दिए गए हैं। ओके, तो हम देखेंगे वो बाद में। रूल नंबर 8 देखिए, अभी पेन लेता हूँ मैं। रूल नंबर 8 क्या बोल रहा है ये देखिए, यहाँ पर कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्या विशेषण डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता है। जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है, कुछ नाउन अर्थ में प्लूरल होते हैं, ठीक है, और अगर इनके पहले हम डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी कि कोई नंबर का प्रयोग कर दे तो वो जो नाउन है वो प्लूरल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो कौन से नाउन है देखिए, पहला है पेयर, स्कोर, ग्रोस, स्टोन, हंड्रेड, डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन एट्सेट्रा। ये सारे हमारे क्या है? नाउन है। ठीक है, तो इनका जो
और अर्थ है वो क्या है, प्लूरल है, जैसे कि हंड्रेड, कितने हंड्रेड, डजन, कितने हंड्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, तो यहाँ पर हंड्रेड है, कितने रुपीज़ है, हंड्रेड है, कितने हंड्रेड, 200, तो यहाँ पर क्या हो गया, 200 रुपीज़। तो अभी आपको सेंटेंस समझा नहीं समझा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए तो यहाँ पर पहले मैं पेन लूँगा, अभी इस सेंटेंस को देखिए बस, बाकी सब भूल जाइए। इसमें क्या हुआ मैं बताता हूँ, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, तो ये हमारा क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। कितना हंड्रेड है, 200 है, क्या है ये, रुपीज़ है। तो हमें जो ऊपर नोट करने को बोला था, वो बोला था कि अगर हमारे पास ये सब वर्ड हो, अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्या यानी कि डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पर क्या डाला है, टू डाला है, जो कि डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। लेकिन इसमें ये क्यों होता है वो पता है आपको, मैं बताता हूँ। देखिए ये रुपीज़ हमारा क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो नाउन के पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। अगर हम हंड्रेड के अंदर एस लगा देते हैं तो हंड्रेड हमारा क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा, जो कि एक नाउन और एक नाउन दो आपस में कभी नहीं आते हैं, ठीक है। तो जब नाउन आ रहा है हमारा यहाँ पर रुपीज़, तो उसके पहले क्या आना चाहिए, एक एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। अगर हम एस लगाएंगे इधर तो ये नाउन हो जाएगा, दो नाउन एक साथ आते नहीं हैं, इस वजह से हमें यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जब इसमें एस नहीं लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, हंड्रेड इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, तो हंड्रेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि क्वालिफाई करेगा रुपीज़ को, राइट। सिमिलरली इसमें देखिए, शी परचेज 3 dozen पेंसिल्स, तो शी परचेज व्हाट, उसने परचेज क्या किया, पेंसिल को परचेज किया। पेंसिल हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन है, ठीक है। तो नाउन नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। अगर हम डजन के आगे एस लगा देंगे तो डजन क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा, बट हमें यहाँ पर नाउन नहीं चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 dozen पेंसिल्स हो जाएगा। सिमिलरली डी में देखिए, ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़, सेम 5000 क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि क्वालिफाई करेगा रुपीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेकिन यदि इनके साथ इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन, इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो इन्हें प्लुरलाइज किया जा सकता है, जैसे कि डजन्स ऑफ वुमेन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर, इस तरह से हम इनको प्लुरल कर सकते हैं। जैसे कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हंड्रेड्स क्यों डाल रहे हैं हम, देखिए क्योंकि हंड्रेड क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ऑफ प्रपोजिशन है, पीपल प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, केम वर्ब है, टू सी इन्फिनिटिव आया, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हंड्रेड्स क्या बना इधर, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, इस वजह से क्या बन गया, यहाँ पर नाउन बन गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी व्हाट, द फेयर, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, क्या हो गया, तो देखिए ये रुपीज़ है, वो रुपीज़ तो ऑफ का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ही डोनेटेड व्हाट, इसने डोनेट क्या किया, मिलियंस ऑफ रुपीज़ किया, तो मिलियंस हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आई हैव 2 pairs ऑफ शूज़, उसके बाद 2 pair ऑफ शूज़ है, तो यहाँ पेयर्स का प्रयोग ऑफ की वजह किया जा रहा है, यानी कि वही मैं बता रहा हूँ, ये जो ऑफ प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो शूज़ क्या हो गया, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई हैव 2 pairs, तो यहाँ पर पेयर, हमको पेयर को हमें क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा। नाउन कैसे बनाएंगे, एस लगा के, तो आई हैव 2 pairs, टू इसलिए वजह से क्या हो गया, प्लूरल हो गया, आई हैव 2 pairs ऑफ शूज़। आई होप आपको रूल नंबर 8 समझ में आया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो, ठीक है। रूल नंबर 9 देखिए, यदि किसी नाउन के बाद प्रपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि कोई नाउन है, समझ लीजिए दो नाउन है, एक मिनट, समझ लीजिए एक नाउन इधर है और एक नाउन यहाँ पर है। अगर इनके बीच में कोई प्रपोजिशन आता है, ठीक है, तो ये दोनों जो नाउन हैं वो कैसे होंगे, दोनों नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे, ठीक है। एग्जांपल देखें, यहाँ पर टाउन आफ्टर टाउन वाज डेवेस्टेड, यहाँ पर टाउन एक नाउन है, ये टाउन एक नाउन है, आफ्टर प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के आजू बाजू वाले नाउन कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। सेकेंड में देखिए, रो अपॉन रो, ये भी सिंगुलर, बीच में प्रपोजिशन। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, डोर भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये प्रपोजिशन है, तो दोनों नाउन कैसे आने चाहिए, सिंगुलर आने चाहिए। शिप आफ्टर शिप, दोनों शिप क्या है, नाउन है, बीच में प्रपोजिशन है, तो दोनों शिप कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी।
तो इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं, रो अपॉन्स रो नहीं, डोर्स टू डोर्स नहीं, या शिफ्ट टू आफ्टर शिफ्ट नहीं गलत लिखना होगा, ठीक है। तो ऑलवेज आपको सिंगुलर नाउन लिखना है अगर दो नाउन सेम है और बीच पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो रूल नंबर 9 भी हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।